हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप लोग को। और आशा करता हूँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग अच्छे हैं। और आप लोग की कृपा से और मालिक की कृपा से हम भी आपके सामने मौजूद हैं। इस समय हम लाए हैं, आज बिना जहर वाला सांप कोई नहीं लाए हैं, तीन स्नेक पकड़ कर आए हैं। और ये तीनों ही स्नेक एक से बढ़कर एक हैं, तीनों ही दोस्तों आप समझ सकते हैं आवाज़ सुनकर, तीनों ही एक से बढ़कर एक हैं, तीनों ही जहरीले हैं, इसमें से कोई नॉन वेनमस नहीं है। और इनको रिलीज करने लाए वातावरण में, इस जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। इसकी जो भी जिंदगी रहेगी ये लोगों की, वो जी रहेगा। तो हम कल रात को गए थे रेस्क्यू करने के लिए, वही लाए हैं। और जो दिन का था उसको तो रिलीज कर दिया है। हालांकि दोस्तों एक वीडियो बनाने का एक मकसद है हमारा, इन बेजुबा को इनके घर में वातावरण में छोड़ देना। और एक और कार्य है जो मैं संपन्न करना चाहता हूँ, वीडियो एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिसमें एक जो स्नेक सेवर है वो स्नेक से स्टंट कर रहे हैं, सांप को पकड़कर ऐसे पकड़कर स्टंट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों। क्योंकि सांप से स्टंट करना बिल्कुल भी गलत है। सांप एक ऐसा चीज़ है, सांप से आप प्यार कर सकते हैं मगर सांप आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता है। अगर आप कितने भी बड़े स्नेक रेस्क्यूअर हो जाएं, कितने भी स्नेक मास्टर हो जाएं बड़े, मगर आपको इतना ख्याल रखना है कि स्नेक से बढ़कर मास्टर कोई नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े मास्टर हो जाइए, क्योंकि एक जो स्नेक मास्टर होता है वो जानता है कि मैं इससे स्टंट करूँगा तो मुझे बाइट कर लेगा। इसलिए जो स्नेक मास्टर रहेगा, स्नेक सेवर रहेगा, छेड़खानी नहीं करेगा। और जो भाई जो दिखाने के लिए करता है कि हाँ भाई मैं सांप पकड़ लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वो स्टंट करते हैं कि मैं दिखाता हूँ। और ऐसे में दोस्तों हादसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है और बहुत लोगों के साथ हो गया है। इसीलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप वीडियो दें। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमें काफी लोगों ने कमेंट करा था इस चीज को लेकर कि आप कोबरा को हथेली लगा रहे हो, ये सच झूठ है, आपने दांत तोड़ा हुआ है। अभी सांप को सुनाई नहीं पर बाकी फिर से जो है हथेली लगाया है, और आपको इसका हम दांत भी दिखाएंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सुनील भाई की हथेली के करीब है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसको एक स्टंट मत समझिए दोस्तों, ये स्नेक प्रेम है सुनील भाई का कोबरा सांप के प्रति, जो सुनील भाई के साथ सांप ऐसा कर लेते हैं। लेकिन हम आप लोगों से ये कहते हैं कि हमारी वीडियो देख के आप उससे ट्राई करने की कोशिश ना करें, वरना उसका अंजाम दोस्तों आप जानते हैं कि क्या होगा। तो चलिए इसको हम पैक कर लेते हैं। तो आप लोगों ने जो अभी वीडियो देखा, उसमें आप लोगों ने साफ देखा कि एक स्नेक से भर जो है कैसे एक स्नेक को पकड़कर उसे स्टंट किया जा रहा है। तो मेरी उनसे गुजारिश है, जोर कर निवेदन है कि सांप के साथ सर ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक जीव जंतु से प्रेम करता हूं और उन्हें बचाने वाले बचाते हैं उन्हें भी बहुत मैं प्रेम करता हूं। तो आप मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृपया कर ऐसी गलती ना करें, सांप के साथ स्टंट ना करें तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि सांप स्नेक मास्टर का एक ही पहचान होता है, स्नेक को अच्छी से रेस्क्यू करना, बोरे में पैक कर कर उसे रिलीज कर देना जंगल में, यही एक स्नेक सेवर का कर्तव्य होता है। ये नहीं कि स्नेक के साथ आप स्टंट कीजिए, क्योंकि ये तो आप लोगों ने अभी वीडियो देखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो से आपको कोई ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों को जागरूक करना कि जो नया स्नेक सेवर आ रहा है, मैं भी अभी नया हूँ, हालांकि वीडियो नया डाल रहा हूँ मगर मैंने 3-3.5 साल से स्नेक रेस्क्यू कर रहा हूँ, मगर मैंने स्नेक से कभी स्टंट नहीं किया। और मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपको कभी ठेस नहीं पहुंचाना है, देखकर लोग जागरूक हो सके, ताकि सेवर आ रहे स्नेक रेस्क्यूअर आ रहे हैं वो लोग ऐसे स्टंट ना करें। क्योंकि आपको पता है आप स्नेक मास्टर हैं, आपको हो गया तजुर्बा हो गया स्नेक पकड़ने का, मगर जो अभी नए आ रहे हैं वो लोग को नहीं हुआ है। हालांकि स्नेक स्टंट एक कला है, मगर स्नेक स्टंट नहीं किया जाता है, एक तरफ से ये अपराध भी है स्नेक को परेशान करना। आइए फिर उसके बाद में हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, इसका स्नेक पकड़ कर लाए हैं। इसमें स्पेक्टिकल्ड कोबरा और कॉमन करैट है, दो स्पेक्टिकल्ड कोबरा, एक बेबी स्पेक्टिकल्ड कोबरा, एक बिग साइज का स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, और एक बेबी साइज स्पेक्टिकल्ड कोबरा, और एक इंडियन कॉमन करैट है जो बहुत ही जहरीला होता है।
ये दोस्तों स्पेक्टिकल्ड कोबरा है और ये कॉमन करैत है, इंडियन कॉमन करैत। और ये बेबी साइज स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। आप इस बेबी साइज को स्पेक्टिकल कोबरा को देखिए, काफी क्यूट है मगर बहुत खतरनाक भी है। बेबी स्पेक्टिकल कोबरा जा चुका अपने जंगल में और एक कॉमन करैत है, ये स्पेक्टिकल कोबरा है। एक मिनट, एक और अंधविश्वास, सपेरे जो होते हैं वो कभी भी सांप पकड़ते नहीं, असली वाला अपना ही सांप ले जाकर घर में छोड़ देते हैं। इसके पहले आपको दांत दिखा देते हैं, इसके दांत होते कैसे और जहर कैसे निकालता है, देखिए अभी ये जहर निकालेगा। ना कुछ करी तो क्या मत लग रहा, दिख रहा है ये दोनों दांत देख सकते हैं आप लोग, बहुत जहरीला दांत है ये, इसमें से ही जहर इंजेक्ट करता है ये। अब बिना देर किए इसको भी छोड़ देते हैं, ये वातावरण में जाए अपने। मगर एक बात और, जैसे मैं ट्रेंड कर रहा हूँ सांप को, ऐसे आप गलती नहीं कीजिएगा सांप को पकड़ने की, नहीं तो कभी भी आपके साथ घात हो सकता है। सांप को ऐसे कभी नहीं पकड़े। देख सकते हैं आप लोग, इसको अब रिलीज कर दिया जाएगा, स्पेक्टिकल्ड कोबरा है ये। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्पेक्टिकल्ड कोबरा, बस करें। ये हो गया हमारा सेकंड स्पेक्टिकल्ड कोबरा। और ये देखिए, इसे कहते हैं कॉमन करैत, इसे आप निशाचर भी कहेंगे तो कोई दो राय नहीं है। ये रात में भ्रमण करता है, इसका प्रिय भोजन है रेड स्नेक के बच्चे और चूहे एवं मेढक को भी खा सकता है। ये स्पेक्टिकल कोबरे के बच्चे को भी खा लेगा, आराम से निकल जाएगा। इंडियन कॉमन करैत बहुत ही जहरीला होता है। इस निशाचर को हमने कल रात में रेस्क्यू किया, जो घर में प्रवेश कर गया था, जहाँ पे नया घर बन रहा था अभी, वहाँ पे प्रवेश कर गया होता। कॉमन करैत की पहचान आपको दिखाते हैं, बहुत ही एक्टिव होता है ये कॉमन करैत। जैसा कि दोस्तों कॉमन करैत में एक हुल्फ स्नेक भी आता है, मगर ये हुल्फ स्नेक नहीं है। हुल्फ स्नेक इतना ही बड़ा साइज होता है, इससे थोड़ा और छोटा होता है, मगर वो थोड़ा चॉकलेटी कलर में रहेगा और उस पर भी धारी धारी बने रहेगी, बट धारी धारी इसकी यहाँ देखते सकते गर्दन से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक आती है, पूरी डार्क ब्लैक कलर रहेगा। कॉमन करैत बिल्कुल भी डार्क रहेगा और रात के टाइम में दिखेगा, सफ़ेद सफ़ेद धारी रहेगी, तब आप समझ जाइएगा कॉमन करैत है, इससे पंगा नहीं लीजिएगा। हाथ में पकड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि हाथ से बहुत तेजी से फिसलता है। अब इसको भी रिलीज कर देते हैं। हम
आशा करते हैं कि वीडियो आपको, वीडियो की जानकारी में जो मैंने जानकारियां दी हैं, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बातों से आप लोगों को ठेस पहुंचा होगा या किसी को भी ठेस पहुंचा होगा तो इसके लिए मैं बहुत दिल से क्षमा चाहता हूँ। अगर गलती से मेरी जुबान से कुछ भी निकल गया होगा गलती से अगर, तो मैं इसके लिए बहुत ही क्षमा चाहता हूँ। मुझे अपना पुत्र समान समझकर पुत्र क्षमा करें, मगर वीडियो बनाने का आप लोग को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्नेक के साथ स्टैंड करा ही नहीं जा सकता। स्नेक से आप कितना भी प्यार कर ले, आप कितना भी प्यार कर रहे हैं, मगर सांप आपसे कभी प्यार कर नहीं सकता है। लाइक कर, अगर आप लोग को वीडियो जानकारी में थोड़ा भी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप थोड़ा एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी अंधविश्वास फैले हुए हैं वो दूर हो जाए। और लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगी हो तो जानकारी, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूर दूर तक आदमी देखें और जागरूक हो जाए कि सांप के साथ स्टंट नहीं किया जा सकता है, ये हादसा हो सकता था। और वीडियो पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम भी आपके सामने हम आपके सामने सलामत से खड़े रहें और वीडियो आपके पास हमेशा यूँ ही बनाकर भेजते रहें और आप आनंद ले सकें और एवं जानकारियां हासिल कर सकें कि सांप कैसा होता है, सांप से स्टंट नहीं किया जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों ये महादेव मालिक जब भी बुला दे ऊपर, और ऊपर मालिक अगर बुला दें तो जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और अपना सहयोग प्रदान करें। हर हर महादेव, जय हो।